हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने वाले हैं, जो कि वैकेंसीज आपकी आउट की गई है नेपाल लिमिटेड से। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंडर में आती है, एक पेपर मिल है और यहाँ से वेरियस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिससे कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देख सकते हैं, काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं होगा एक्चुअली ये नेपाल लिमिटेड है क्या। तो यहाँ वेरियस प्रिंटिंग हो जाती है, जैसे कि न्यूज़ प्रिंट से रिलेटेड प्रोडक्ट, न्यूज़ प्रिंट सेल सेकंड होती है, देन आपकी एप्लीकेशन फॉर्म या फिर परीक्षा निकलती है उसकी जो फॉर्म होती है, वो सब की प्रिंटिंग यहाँ पर हो जाती है। और होपफुली आपने नेपाल नगर का नाम तो सुना ही होगा, जो कि पेपर मेल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहीं से वेरियस पोस्ट के लिए जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि एक्सपीरियंस जॉब्स के लिए। तो बेसिकली आजकल की डेट में ऐसा ही हो रहा है, जो भी जॉब्स निकल रही है टोटली या तो कॉन्ट्रैक्ट निकल रही है, नहीं तो जिसमें परमानेंट जॉब्स मांगी जाती है उसमें एक्सपीरियंस मांगी जाती है। तो बेसिकली बिल्कुल इसी तरह से जॉब्स आ रही है गाइस। चलिए, इस वैकेंसीज की टोटली डिस्कशन करने वाले हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होने वाला है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। गाइस, अगर आप गेट 2022-23 की एक बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, घर बैठे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं, तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जो कि ये सुविधा आपको घर बैठे देने जा रही है। अन अकेडमी आप सबके लिए न्यू बैचेस स्टार्ट करने जा रही है फॉर गेट 2022-23 के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर दो ब्रांचेज हैं आपके, इलेक्ट्रिकल एसी वालों के लिए, आप सबके लिए वेरियस बैचेज यहाँ पर लाई गई है, जैसे कि क्रैक गेट 2022 आरोहन है, उसके बाद टारगेट आपके प्रीलिम्स बैच ए और ए बी दोनों आपके लॉन्च किए गए हैं, जो कि ये कोर्सेज आपकी लाइव होने जा रही है 1 सितंबर 2021। तो जो भी स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट को एक अच्छे परसेंटेज के साथ क्रैक करना चाहते हैं, साथ में मिलती है आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव क्विज़ विद स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और सारे लाइव डाउट्स आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर द्वारा आपको यहां पर जो है वो सॉल्व कराए जाते हैं। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है इनके कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो भी पेमेंट उसमें लग रहा हो पूरा पेमेंट मत कर देना, हमारा कोड यूज़ करें DilipZ10, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट इसमें मिल जाएगी, 10% आपको इसमें जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक मौजूद है, सब्सक्राइब नाउ। तो ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और एक एक करके वैकेंसी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वैकेंसी सिविल इंजीनियर की निकाली गई है, और इसमें 3 वैकेंसी है, मिनिमम पे 20,000 होगी पर मंथ, और एज लिमिट 18 से 35 साल मांगी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशंस BE BTech, जो कि सिविल इंजीनियरिंग वाले, विद 55% मार्क्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो 5 साल का इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है। जॉब आपकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी, यानी कि किस किस में फील्ड में आपको जॉब करना होगा, ये डिस्कशन यहाँ पर दिया गया है। अब नेक्स्ट वैकेंसी है, जो कि DCS या फिर QCS ऑपरेटर की है, 6 वैकेंसी है, इसमें भी 20,000 सैलरी आपको दी जाएगी। इसमें 18 से 45 मांगी गई है, और क्वालिफिकेशंस BE BTech IT MCA विद मिनिमम 55% मांगी गई है केमिकल इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंटेशन में, वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी 5 साल की एक्सपीरियंस की डिमांड रखी गई है। अब नेक्स्ट वैकेंसी आ जाती है, इसमें टोटल 15 वैकेंसी है पेपर मशीन ऑपरेटर की, जिसमें कि 20,000 सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ। 18 से 50 ईयर एसी वाले अप्लाई कर पाएंगे। इसमें डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन या फिर ITI इन एनी ट्रेड, यानी कि ITI या फिर डिप्लोमा के आप किसी भी ट्रेड से पास आउट हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 55% मार्क्स होनी चाहिए मैकेनिकल ट्रेड में, यानी कि आपकी मैकेनिकल ब्रांचेज होनी चाहिए, और मिनिमम 15 ईयर एक्सपीरियंस इन पेपर मशीन इंडस्ट्री, ये बहुत ज़रूरी है, ये देख लीजिएगा। उसके बाद एक्सपीरियंस यहाँ पर 4 साल एक्सपीरियंस डिमांड की गई है, जो कि पेपर मशीन ऑपरेशन में होना चाहिए। तो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की यहाँ डिमांड की गई है। तो बेसिकली ये वैकेंसीज बहुत ही अपॉर्चुनिटी वाली थी, इसलिए मुझे पब्लिश करना पड़ा, क्योंकि नेपाल लिमिटेड की वैकेंसी है। फिलहाल जो भी एलिजिबल हैं वो ज़रूर अप्लाई करें, और जो आपके पास 0 एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इतना आप समझ चुके होंगे कि आजकल की डेट में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखती है, तो कहीं से भी मिले एक्सपीरियंस आप ज़रूर करें। ITI फिटर की वैकेंसी है, 6 पोस्ट पर 12,000 सैलरी दी जाएगी।
18 से 30 साल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सपीरियंस कम मांगी गई है, 55% एक्सपीरियंस आईटीआई फिटर ट्रेड में, मात्र 2 साल की। तो 2 साल की आप ले लीजिएगा आराम से, कहीं से भी, प्राइवेट वगैरह गवर्नमेंट से भी, या फिर अपना जुगाड़ लगा सकते हैं, आपको मिल जाएगी गाइस। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आईटीआई इलेक्ट्रिशियन में 10 वैकेंसी है, 12,000 इसमें भी सैलरी मिलेगी। 18 से 30 साल एज लिमिट वाले अप्लाई कर पाएंगे आईटीआई एंड इलेक्ट्रिशियन विद मिनिमम 55% की डिमांड रखी गई है, और यहाँ पर भी 2 साल की एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे 2-2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई, तो आप ये ले सकते हो। आईटीआई इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर भी 8 पोस्ट पर 12,000 सैलरी, 18 से 30 रखी गई है, और आईटीआई 55% होनी चाहिए, देन आपको 2 साल की एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में मांगी गई है। देखिए आपकी एज लिमिट जितनी भी है, एज लिमिट आपकी जो काउंट की जाएगी 31 जुलाई 2021 को ही काउंट की जाएगी, तो ये ज़रूर चेक कर लें। और उसके बाद 18 से 30 साल एज लिमिट आपके रखी गई है आईटीआई रिलेवेंट ट्रेड में, और प्रीवियस ट्रेड में 50 और 45 ईयर। देन मैं बात करूँ इसमें एज रिलैक्सेशन की, टोटली गवर्नमेंट जॉब्स के आधार पे बिल्कुल मिलेगी, जैसे कि एसटीएससी वालों को 5 और OBC वालों को 3 ईयर्स की। सिलेक्शन जो होगी आपकी टोटली इंटरव्यू बेसिस पे यहाँ पर रखी गई है, जो भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, सॉरी जो भी अप्लाई करेंगे उसकी ऑनलाइन या फिर फिजिकल के जरिए उसकी इंटरव्यू ले ली जाएगी। देखिए सैलरी के अलावा यहाँ पर कोई भी अदर बेनिफिट्स आपको मिलने वाला नहीं है, और जो भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मैं बात करूं कैसे अप्लाई करना है, जो कि ऑफलाइन फॉर्म है आपको फिल करनी होगी, और उसके जरिए आपको एनवेलप के जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस में अपना रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट दोनों कर सकते हैं, और पोस्ट नाम लिखिएगा और इस एड्रेस पे सेंड कीजिएगा, मैनेजर PNA नेपाल लिमिटेड नेपाल नगर डिस्ट्रिक्ट जो कि बुरहानपुर में है और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अप्लाई करने की जो रेट रखी गई है 15 डेज लास्ट डेट रखी गई है, जो कि पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट, तो पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं कब किया गया है। तो ये ऑफलाइन फॉर्म मैं पहले दिखा देता हूँ, ये प्रिंट आउट आप निकाल लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम चैनल सक्सेस दिलीप पे विजिट कीजिए, वहाँ पर मिल जाएगी। बेसिक डिटेल्स फोटो चिपकाना है, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि रिसेंटली, इसमें बेसिक डिटेल्स फिल कर लीजिएगा, नाम, रोल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अटेस्टेड करके साथ में आपको यहाँ पर सेंड करनी होगी, साइन और सिग्नेचर वगैरह कर दीजिएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस में पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका के साइन करके, और यहाँ पे पोस्ट ज़रूर लिख लीजिएगा कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इसे सेंड कर दीजिएगा। आपको 10 सितंबर से पहले ये सेंड करनी होगी, तो देख लीजिएगा जो भी कैंडिडेट हैं 10 सितंबर से पहले इस फॉर्म को सेंड कर दीजिएगा। होपफुली गाइस यही रही आपकी वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, कुछ डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। वीडियो अगर यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।